छत्रपति शिवाजी पार्क टर्मिनस के पास स्थित हिमालय पुल की नैया 7 महीनों में पार हो जाएगी। बताया गया है कि इस पुल का निर्माण कार्य कई महीनों के आखिरी दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होते ही पुल को नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ स्टील का ब्रिज और टाइम्स ऑफ इंडिया इमारत के बगल से स्वचालित सीढ़ी लगाई जाएगी। ये जानकारी अतिरिक्त आयुक्त पी वेलारसू ने दी। अंधेरी में जुलाई 2018 को ओखले पुल धराशाही हो गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही सीएसएमटी स्थित हिमालय पुल भी 14 मार्च 2019 को गिर गया था। इस हादसे में 7 निर्दोषों की जान गई। इन घटनाओं के बाद मुंबई में स्थित पुलों का मुद्दा गर्मा गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए मनपा प्रशासन ने मुंबई में स्थित सभी सड़कों पर मौजूद पुल, उड़ान पुल, रेलवे पुल और पादचारी पुलों को स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हुए खतरनाक पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम तेज गति से शुरू कर दिया था। इसमें हिमालय पुल को स्टील से बनाया जा रहा है। इसके लिए पुल के दोनों तरफ पिलर का निर्माण किया जा चुका है, जबकि दूसरे स्थान पर स्टील का गर्डर तैयार करके यहां लाकर बैठाया जाएगा। अंधेरी स्थित खतरनाक गोखले पुल के ऊपर से 7 नवंबर से वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। मनपा की सीमा में स्थित इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि रेलवे की सीमा में स्थित ब्रिज अब तक धराशाही नहीं किया जा सका। ऐसे में मनपा की स्पष्ट भूमिका है कि इस पुल को रेलवे ही गिरा। पी वेलारसू ने बताया कि इसे लेकर जल्द ही निर्णायक बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।